सुप्रभात बच्चों, समय है हिंदी कक्षा का और आज हम हिंदी में दोहराने वाले हैं फिर से मात्राएं। हमें मात्राओं का अभ्यास करना है और आज मैं सभी मात्राओं को मिक्स करके यहाँ पर आपको दिए गए शब्दों में से सही शब्द को चुनना सिखा रही हूँ। जब हमें दो शब्द दिए गए हैं तो हम मात्राओं को देखते हुए ये चेक करने वाले हैं कि ये इनमें से कौन सा शब्द सही ढंग से लिखा गया है और कौन सा गलत ढंग से। तो जो शब्द सही लिखा गया है उसके सामने दिए गए बॉक्स में हम टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगा देंगे। पहले नंबर पर मैंने लिखा है प, प छोटी ई की मात्रा, त आ की मात्रा, पपीता। और वैसे इस वर्ड को देखिए, पिता, छोटी ई की मात्रा लगती है पिता में, लेकिन आगे प लगा, पपीता। पपीता की कौन सी स्पेलिंग ठीक होती है? बड़ी ई की मात्रा वाली। तो पपीता में मैं इस पर बड़ी ई की मात्रा वाले पर सही का निशान लगा दूंगी। अगला शब्द लिखा गया है अ, ज, म, ए की मात्रा और र, अजमेर। उसी को ही लिखा गया है अ, ज, म, बड़ी ए की मात्रा और र। बड़ी ए की मात्रा की साउंड ए की बन जाती है तो ये वर्ड बन जाएगा अजमेर। अजमेर जो है वो सही शब्द है, ये एक सिटी का नाम है अजमेर, तो हम इस पर टिक लगाएंगे जो सही है। अगला शब्द है ब, बड़ी ए की मात्रा बे, ल, आ की मात्रा बेला। और ब, ए की मात्रा बे, ला, बेला या बेला, कौन सा शब्द सही हुआ? बैल तो शब्द होता है, बट बेला कोई शब्द है क्या? बेला कोई शब्द नहीं है, बेला इज द करेक्ट वर्ड। तो हम बेला के सामने सही का निशान लगा देंगे। अगला शब्द पढ़ते हैं नंबर चार पर, जो कि लिखा गया है थ, क, आ की मात्रा और न, थकान। और ऐसे ही थ, आ की मात्रा, क और न बना थाकन। तो क्या लगता है आपको, क्या शब्द सही है, थकान या थाकन? एब्सोल्युटली थकान सही शब्द है, थकना, टायर्ड होना। थाकन कोई शब्द नहीं है, तो हम थकान पर क्या लगाएंगे, सही का निशान। अगला वर्ड पढ़ते हैं नंबर पांच पर, ब, बड़ी की मात्रा और ज, बीज। बीज बोलते हैं सीड को, जिससे प्लांट ग्रो करता है, जो हम बीज धरती में बोते हैं उसके बाद पौधा निकलता है। और ब पर छोटी की मात्रा लगा दी तो बीज बना। बीज कोई शब्द है या नहीं? बीज कोई शब्द नहीं है, बीज सही शब्द है, तो हम बीज पर टिक लगा देंगे। नंबर छह भी पढ़ लेते हैं। नंबर छह पर लिखा गया है स, र, क, आ, र, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, सरकार। और वही शब्द लिखा गया है स, र, क, आ की मात्रा और र, स, र, सर, क, आ की मात्रा, र, कार, सरकार। सरकार या सरकार, सरकार सही शब्द है। सरकार हम बोलते हैं देश की गवर्नमेंट को, तो सही शब्द सरकार। आइए नेक्स्ट शब्द पढ़ते हैं। नंबर सात पर लिखा हुआ है प, बड़े उ की मात्रा, न, पून। और एक और लिखा गया है प, औ की मात्रा, ध, आ की मात्रा, पौधा। तो सही शब्द क्या है? पौधा। हम किस पर टिक लगाएंगे? पौधा। नंबर आठ पर लिखा गया है ब, बड़े उ की मात्रा, ल, ब, बड़े उ की मात्रा, ल, बूल, बूल। और अगर छोटे उ की मात्रा की साउंड हम पढ़ते हैं तो वो लिखा हुआ है बुलबुल। तो क्या सही होता है, बुलबुल या बुलबुल? हंसी आ रही होगी सुन के, बुलबुल इज द राइट आंसर, बुलबुल कोई शब्द नहीं है। तो इस तरह से जब भी हमें शब्द दिए गए हैं तो बहुत आसान है उनमें से सही शब्द को चुनना। हम उनमें से सही शब्द चुन सकते हैं ना। तो ये है हमारा मात्राओं का अभ्यास। क्या है ये? मात्राओं का अभ्यास। आई होप क्लियर हो गया सबको। ऐसे ही और वर्ड्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ना, तो कर लीजिए। कितने वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वर्ड्स को सभी को आपको चुनना आना चाहिए कि कौन सा सही ढंग से हम चुन सकते हैं।